Subscribe now to receive new updates every day. पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज फखर जमान का प्रदर्शन एशिया कप के दौरान अब तक कुछ खास देखने को नहीं मिला। उन्होंने भारत के खिलाफ खेले गए मैच में उन्होंने कुछ अच्छे शॉट्स खेलने का प्रयास किया, लेकिन वे 31 रन ही बना सके। भारतीय टीम के खिलाफ खेले गए मैच के दौरान फखर जमान का आउट होना भी काफी हैरान कर देने वाला रहा। दरअसल जब 15वें ओवर के दौरान भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव बल्लेबाज फखर जमान को गेंद फेंकी तो बल्लेबाज फखर ने गेंद को स्विंग खेलने का प्रयास किया, लेकिन इस दौरान वे खुद को बैलेंस नहीं रख पाए और शॉट मारते वक्त उनका पैर फिसल गया, जिससे वे नीचे गिर गए। इसके बाद भारतीय गेंदबाज और विकेट के पीछे मौजूद महेंद्र सिंह धोनी ने LBW की जोरदार अपील की, जिसे अंपायर ने मानते हुए LBW आउट दे दिया। वहीं फखर जमान ने अंपायर द्वारा दिए गए आउट के फैसले के खिलाफ रिव्यू नहीं लिया। हालांकि जब रिप्ले में देखा गया तो यह साफ नजर आ रहा था कि बल्लेबाज फखर जमान LBW आउट नहीं थे। ऐसे में रिव्यू नहीं लेने का फैसला फखर जमान के लिए नुकसानदायक साबित हुआ। बात अगर भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मुकाबले को लेकर करें तो दुबई के क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में पाकिस्तान टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। इसके बाद पहले बल्लेबाजी करने आई पाकिस्तान की टीम निर्धारित 50 ओवर के मैच में 7 विकेट के नुकसान पर महज 237 रन ही बना सकी। इस दौरान पाकिस्तान की तरफ से जिस बल्लेबाज ने सबसे अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिखाया वे शोएब मलिक रहे। शोएब मलिक ने 90 गेंदों का सामना करके 4 चौके और 2 छक्के की मदद से 86.67 के औसत से 78 रन बनाए। इसके अलावा सरफराज अहमद ने 66 गेंद पर 44 रन और फखर जमान ने 44 गेंद पर 31 रनों की पारी खेली। मिले इस आसान लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज ने शानदार खेल का प्रदर्शन दिखाया और पहले विकेट के लिए 210 रनों की बड़ी साझेदारी बना ली। इस दौरान सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने 100 गेंदों का सामना करके 114 रन बनाए। वहीं रोहित शर्मा ने भी शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए शतकीय पारी खेल डाली और टीम इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ 9 विकेट से जीत दिला दी। रोहित शर्मा ने इस मैच में 119 गेंद का सामना करके 7 चौके और 4 छक्के की मदद से 111 रन बनाए। इसी के साथ अब टीम इंडिया का एशिया कप 2018 में फाइनल का टिकट पक्का हो गया है। Thank for watching. Subscribe now to receive new updates every day. And don't forget to drop a like, leave a comment.